आई आज हम लोग आज फिर एक फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। मोबाइल का ही एक फ्रॉड है। मोबाइल में एक फ्रॉड लोग करते हैं, जूस जैकिंग। जूस जैकिंग क्या होता है, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली क्या होता है कि आपका जो ये चार्जिंग पोर्ट होता है, जिससे आप यूएसबी केबल लगा करके चार्जर से या कंप्यूटर से अपने लैपटॉप से जो चार्जिंग करते हैं अपने मोबाइल की, तो वही उसी पोर्ट को यूज करके कुछ लोग आपके मोबाइल के अंदर मैलवेयर इंसर्ट कर देते हैं और डाटा आपका चुरा लेते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट चुरा लेंगे और भी डेटा जो होगा वो चुरा लेंगे, और साथ ही साथ मैलवेयर आपके मैलवेयर या वायरस आपके मोबाइल में डाल देंगे। ये करते कैसे ये जान लेते हैं पहले। जनरली क्या होता है कि आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे फ्री चार्जिंग पॉइंट लगे हुए होते हैं। उन फ्री चार्जिंग पॉइंट को इन्फेक्ट किया जाता है। इन्फेक्ट मतलब ज़रूरी नहीं कि वो जो चार्जिंग पोर्ट हो वो किसी ऐसे पर्सन ने लगाया हो जो आप पर आपको अटैक करना चाहता है। ज़रूरी नहीं कि उसी ने लगाया हो, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि पहले से ही लगा हो और उसको इन्फेक्ट कर दिया जाए। जो अटैकर होता है, मैलवेयर जो इंस्टॉल करना चाहता है आपके मोबाइल पे, वो पर्सन जो है एग्जिस्टिंग उसमें केबल में और चार्जर में कर सकता है, या कभी कभी कुछ लोग ज़्यादा होशियारी करते हैं, रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे या जहाँ पर भी लगा हुआ है वहाँ पे अपना ही चार्जर वो लोग लगा देते हैं, चार्जर केबल के साथ। तो ऐसे में वो उसको प्रोग्राम कर देते हैं, वो फिर प्रोग्राम या मैलवेयर जो होता है वो आपके मोबाइल में आपके जो चार्जिंग पॉइंट है उसके थ्रू आपके मोबाइल में इंसर्ट हो जाता है, और वो फिर जो डेटा चाहते हैं डेटा वो ले लेते हैं और आपके कभी कभी आपके मोबाइल में मैलवेयर भी इंसर्ट कर देते हैं। मैलवेयर इंसर्ट करके फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कतें कर सकते हैं आपके मोबाइल के साथ, जैसे आपकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपके जहाँ जहाँ आप रहते हैं, जहाँ जहाँ आप जाते हैं, कुछ बातें करते हैं तो बातों को रिकॉर्ड करके अपने पास भेज सकते हैं, या आप का वीडियो प्राइवेट वीडियो बना सकते हैं और अपने पास सीधा उनके पास चला जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। कभी कभी ऐसा सुना भी गया है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं और हमारी जो प्राइवेट वीडियोस जो हैं, प्राइवेट पिक्स जो हैं, वो किसी और को चली गई। तो ये भी इसका एक रीज़न है जिसके थ्रू होता है। बेसिकली ये अटैक जो होता है जूस जैकिंग का, इसको मैन इन द मिडिल अटैक भी कहते हैं। मैन इन द मिडिल मतलब कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बेसिकली हार्डवेयर हार्डवेयर वाला मैन इन द मिडिल है। मैन इन द मिडिल सॉफ्टवेयर का भी होता है, हार्डवेयर का भी होता है। तो मैन इन द मिडिल का मतलब होता है एक बीच में एक पर्सन, आपने मान लिया ए पर्सन से बी पर्सन के पास आपको इन्फॉर्मेशन भेजनी है, मान लिया आप अपने से किसी सेकेंड पर्सन को भेजना चाह रहे हैं, तो जब जो कम्युनिकेशन का पाथ होगा उसके बीच में ही एक थर्ड पर्सन आ गया, तो थर्ड पर्सन आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेता है और आप जहाँ भेजना चाहते हैं वहाँ भेजता है, तो वो इन्फॉर्मेशन को चुरा लेता है। तो ये मैन इन द मिडिल होता है, ये हार्डवेयर टाइप का मैन इन द मिडिल टाइप का है। तो आप जानते हैं कि इससे बचें कैसे हम लोग। तो देखिए, बचने का बहुत ही आसान तरीका है। आप जब भी कभी एयरपोर्ट पे या इस तरह से जो फ्री जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पर आप चार्ज जब करते हैं, तो आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। जब आप स्विच ऑफ कर देंगे तो कोई भी कम्युनिकेशन उस केबल और आपके मोबाइल के बीच में नहीं होने पाएगा। तो सबसे आसान तरीका तो ये है। लेकिन एक डिवाइस भी आती है, उसको यूएसबी कॉन्डोम भी बोलते हैं। वही कॉन्डोम जो आप जानते हैं, नाम वही है, लेकिन मतलब ये बेसिकली वो प्रोटेक्शन के लिए चूंकि यूज होता है तो वो यूज करेंगे तो भी इससे बचाव हो जाता है। तो ये जूस जैकिंग से आप अवेयर रहें, और जब भी आप फ्री में चार्जिंग स्टेशन यूज करें, चार्जिंग स्टेशन जो फ्री में यूज करें किसी रेलवे स्टेशन पे और या एयरपोर्ट पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और कोशिश ये करें कि आपका अपना खुद का चार्जर हो, आप अपनी खुद की केबल चार्जर जो भी ले जाएं। मोस्टली जो यूएसबी केबल यूएसबी पोर्ट होते हैं अक्सर जो है, तो आप जो है अपना चार्जर केबल खुद ले जाएं और उससे चार्ज करें, इंस्टेड आपके किसी फ्री वाले जो अवेलेबल है उससे चार्ज करें। तो आप इससे बचें, बस इतना ही। थैंक यू।